असलामुअलैकुम, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक 16.1 ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे चैप्टर का ही नाम ऑल्टरनेटिंग करंट पे है, तो इसका मतलब है जितनी भी हम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को इस्तेमाल किया जाएगा। अब ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या? करंट हमें यह पता है कि चार्जेस फ्लो करने का नाम करंट है, लेकिन अब करंट भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट, एक ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि अगर उसका वेव फॉर्म देखी जाए या वेव पैटर्न देखा जाए तो डायरेक्ट करंट में सिर्फ एक सिंगल लूप अगर आपको पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहे दैट्स इट, फिर यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इस नेगेटिव पोर्शन में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा एंड फिर एक लूप नजर आया वो भी उसी डायरेक्शन में, या अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं तो पहला भी डाउनवर्ड, फिर इतने पोर्शन में कोई करंट नहीं नजर आएगा एंड देन डाउनवर्ड। तो ये इस तरह का पैटर्न है डायरेक्ट करंट का। लेकिन ऑल्टरनेटिंग का मतलब ही क्या है कि बार बार चेंज हो रहा है, चेंज किस सेंस में कि कभी वो पॉजिटिव पोलैरिटी में जा रहा है कभी वो नेगेटिव पोलैरिटी में जा रहा है। इसका मतलब है जो करंट का रूप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, समटाइम हमें पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, समटाइम हमें नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब ये हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होता है, एसी जनरेटर इसका एक मेन सोर्स है, ठीक है। अब उसमें हम किस तरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं और ये किस तरह से सारे चेंजेस दिखाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको भी हम इसी तरह से शो करते हैं, और ये क्या शो करे कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये सोर्स ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करवा रहा है। यहाँ पर अगर हम एक सर्किट की बात करें और सर्किट में हमने क्या किया है कि वायर की मदद से रेजिस्टेंस आ गई एंड रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट करके ये पूरा सर्किट बन गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस जरूर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव ऊपर है नीचे नेगेटिव है, करंट फ्लो किया पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन जैसे ही ये पोलैरिटी रिवर्स हुई मींस ये अब नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ गया, तो उस टाइम पर ये किस तरह से बिहेव करेगा कि अब पोलैरिटी चेंज होगी, यानी कि नेगेटिव ऊपर की तरफ आ गया पॉजिटिव नीचे की तरफ आ गया, तो जो करंट फ्लो करेगा वो अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव करेगा और अब हमें इसकी डायरेक्शन रिवर्स नजर आ रही है। तो ये हमारे पास वेवफॉर्म की सूरत में है कि किस तरह पोलैरिटी चेंज हो रही है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल देन नेगेटिव हाफ साइकिल देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। लेकिन अगर हम उसको सर्किट के अकॉर्डिंगली देखें तो वोल्टेज का डिफरेंस हमारे पास मौजूद है और वोल्टेज की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है और वो भी हमारे पास इस तरह से आ जाता है। अब इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं। इसको अगर हम मजीद डिटेल में डिस्कस करना चाहें कि ठीक है करंट के लिए तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये वाली इस तरह की वेवफॉर्म आ रही है, लेकिन क्या ये सही होगा कि अगर हम इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज के तौर पर भी कहें, या वहां पर क्या उसकी वेवफॉर्म इसी तरह से आएगी या चेंज होगा, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह प्रोड्यूस करवाया जा सकता है? सो बेसिकली जो सोर्स है वो है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है। इसकी मदद से प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे पास वोल्टेज की जो इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरह से थी, साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी बराबर था थीटा। सो ये क्या है कि हम कह रहे हैं, हम बार बार बात करें करंट के, करंट कैसे आ रहा है, कोई ना कोई वोल्टेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो करंट आ रहा है। तो अब हम उसी को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वोल्टेज कहाँ पर मैक्सिमम होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी, क्या वेव फॉर्म करंट की तरह ही होगा या डिफरेंट होगा, उसकी डिस्कशन के लिए यहाँ पर इसको कंसीडर कर लिया। V क्या हमें बता रहा है कि किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर अगर आप V को कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि इस टाइम कितना वोल्टेज है, तो वो V है V नॉट मैक्सिमम जो उस पूरे सर्किट से पास आउट हो सकता है। साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी हमारे पास क्या जाहिर करे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम। हम हर चीज की बात टाइम के रिस्पेक्ट से करें, किस तरह से कि जो पहले अगर हम देख रहे थे कि यहाँ पर ये वाला करंट बिल्कुल इस टाइम पर जीरो है, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर नेगेटिव मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ जीरो पर आ गया। इसका मतलब है इस पूरे कर्व को बनाने में कोई ना कोई टाइम तो लिया होगा इस करंट ने, तो टाइम के रिस्पेक्ट से ये कर्व अप एंड डाउन जा रहा है या पोलैरिटी अपनी चेंज कर रहा है। अब यहाँ पर अगर टाइम की हम बात कर रहे हैं, और टाइम जब हम बात कर रहे होते हैं एक छोटे इंटरवल की, तो उस टाइम पर टाइम को कंसिडर किया जाता है एज अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी अगर हमारे पास मौजूद है टी, इसका मतलब है कि इस वेव फॉर्म की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन ओवर टी, यानी कि जितनी टाइम में नंबर ऑफ वेव्स पास आउट कर रही हैं उसी का नाम है फ्रीक्वेंसी।
तो यहां पर हमें क्या पता चला कि अगर इसमें टाइम पीरियड को हम कंसीडर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी मौजूद होगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास इस तरह पे वेव भी मौजूद है, हम तो सारी चीजों के लीनियर बात कर रहे हैं कि अगर कोई सर्किट कंसीडर भी किया था पहले तो वो भी इसी तरह से था कि कोई हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर कोई भी चीज नहीं आ रही थी। इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको हमें चेंज कर लेना चाहिए लीनियर फ्रीक्वेंसी में। और वो कैसे चेंज हो सकता है कि ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। यहाँ पर अगर इसको अप्लाई करें तो वी नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा 2πf इंटू टी, ये स्मॉल टी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट, अब f को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया किससे, 1/t से, तो ये आ गया 1/t। इस पूरी इक्वेशन को अब हम यूज करेंगे किस मकसद के लिए, ताकि ये बता सके कि जो वोल्टेज है उनका भी वेव फॉर्म बिल्कुल उसी तरह से है जैसे करंट का, और वो भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के तौर पर ही बिहेव कर रहे थे जिसकी वजह से पोलैरिटी चेंज हो रही थी। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब है कि करंट भी अपनी डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज कर रहा था। इसको स्टडी करने के लिए अब हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले टाइम को टी को क्या कंसिडर कर लेते हैं, जीरो कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि सबसे पहले टाइम टी जीरो होना चाहिए। अगर ये टाइम टी जीरो है तो ये क्या हमारे पास आएगा कि इस टाइम पर अगर यहाँ पर देखें 2π/t जो कि एंगल के इक्वल है, ये हमारे पास पूरी जो फॉर्म है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। तो अगर हम एंगल की बात करना चाहें मल्टीप्लाई टी, इस टाइम टी हमारे पास क्या हो चुका है जीरो, तो थीटा एंगल क्या हो चुका है जीरो। यहां पर अगर जीरो पुट करेंगे पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, इसका मतलब है कि इस टाइम पर वी भी जीरो ही होगा जब टाइम टी जीरो है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इसको अब बढ़ाया गया और टाइम को हम टी बाय फोर पे लेंगे, सो ये हमारे पास कितना है, ये जीरो है, ये कैपिटल टी बाय फोर है, ये टी बाय टू है, इसी तरह ये 3t/4 है, एंड देन ये हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट टी आ जाएगा। तो इसी को यहाँ पर कंसीडर करते हुए पहले टाइम जीरो था, नेक्स्ट अब हम टाइम ले रहे हैं टी बाय फोर। जब हम टी बाय फोर को यहाँ पर पुट करेंगे तो उस टाइम पर थीटा क्या हो जाएगा 2π/t इंटू टी बाय फोर, टी टी से कैंसिल। सो इट मीन्स कि अब हमारे पास जो यहाँ पर एंगल आ चुका है वो 90 डिग्री है। नेक्स्ट, अब अगर हम इसी तरह से बाकी टाइम पीरियड्स पर भी कंसीडर कर लें कि एंगल कितना होगा, सो थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर अगर हम टी बाय टू पे अब चेक करने वाले हैं तो ये बन जाएगा टी बाय टू, सो बिल्कुल थीटा आ गया पाई के बराबर। इसी तरह से अगर नेक्स्ट 3t/4 की बात की जाए तो ये बनेगा 2π/t इंटू 3t/4, टी टी से कैंसल एंड 2 × 2 = 4 एंड ये बनेगा 3π/2। इसी तरह से अगर टी की बात की जाएगी तो उस टाइम पर थीटा हो जाएगा 2π, मतलब के पूरा एक कंप्लीट जो हमारे पास एंगल है 360 का वो कंप्लीट हो जाए। तो ये थी हमारे पास वी की कंडीशन। वी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स को ले रहे होंगे, एंड देन ये चेक किया जाएगा कि उस टाइम पर यहाँ पर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। वी की हम बात कर रहे हैं जिसका वेवफॉर्म अब हमें बनाना है, तो इस तरह से एक पैटर्न को जनरेट करवाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वोल्टेज को, और वोल्टेज भी पॉजिटिव भी होगा, पोलैरिटी चेंज हो रही है ऑल्टरनेटिंग की वजह से, तो ये नेगेटिव में भी वोल्टेज की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। नेक्स्ट, अब हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम को ले रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले टाइम टी जीरो था, एंगल भी जीरो था, और साइन जीरो क्या हो जाता है जीरो, इसका मतलब है वी बिल्कुल जीरो है। नेक्स्ट, टी बाय फोर की बात की थी और टी बाय फोर पे इस टाइम एंगल क्या आ चुका है पाई बाय टू, और उस टाइम पर साइन पाई बाय टू यानी कि मैक्सिमम वन वैल्यू आती है। तो यहां पर जब टी बाय फोर पे आए वैल्यू हो गई मैक्सिमम वोल्टेज की। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हम बात करें टी बाय टू की, यानी कि ये टी बाय टू है, इस टाइम पर अगर हम देखें तो एंगल कितना आ रहा है पाई यानी कि साइन पाई जीरो। नेक्स्ट टाइम 3t/4 जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा 3t/4, उस टाइम पर एंगल कितना है 3π/2। 3π/2 का अगर हम यहाँ पे साइन 3π/2 देखें तो वो क्या होता है नेगेटिव वन होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू
नेगेटिव साइड पर चलेगी, एंड देन अगर हम 2 पाई पर देखें तो साइन 2 पाई पे ये वैल्यू दोबारा से जीरो हो जाती है। इट मींस यहाँ टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ और ये वेव का पैटर्न कुछ इस तरह से जनरेट हो गया। अब इसको देखें और इसको देखें करंट को, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप करंट को जैसे जैसे वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो रही है, करंट भी उसी तरह से पोलैरिटी को चेंज कर रहा है और ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करवा रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट हाफ पोर्शन जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट की बात की, जिसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से जनरेट करवाया जा सकता है। इसमें हमारे पास मजीद बहुत सारी टर्म्स है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।